दोस्तों आज हम बात करेंगे जो जेट का पेपर है 2011 का उसको सोल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने सन 2002 से लेके 2011 तक सोल्व कर रखे हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो। और उससे पहले बता दूं दोस्तों कि जो जेट की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं, उनके लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर भी सोल्व करवाएंगे जल्दी ही, और ICR के भी पेपर है वो सोल्व करवाएंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री बाय मनोज में। तो आज हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में आता है हमारा कि राजस्थान राज्य में कितने जलवायु खंड हैं, यानी कि कितने जलवायु जो क्षेत्र हैं वो 10 आते हैं जलवायु क्षेत्र। आगे है कि राजस्थान की मृदा है वो सबसे, यानी महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो वो रेगिस्तानी मिट्टी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे दोस्तों, तो ऑप्शन को मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन सीधा डायरेक्ट आंसर दिया है। आगे है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा यानी प्रतिशत है, तो वो 10% है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट है कि राजस्थान के सस्य सघनता 2010-11 में लगभग कितनी थी, तो 130% थी। आगे नेक्स्ट है कि चावल की संकर किस्म कौन सी है, तो PRS 10 है जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। तो उससे पहले कुछ बता दूं दोस्तों 2 सेकंड का, कि अगर बाय चांस आपके यानी वीडियो अगर यूट्यूब पे ना आए तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है हमें हमारी ऑफिशियल साइट का, तो उस साइट को आप फॉलो कर लीजिए। उस साइट पे डेली की क्वेश्चन अपलोड होते हैं, तो वहां से आपको दिल्ली के क्वेश्चन आप देख सकते हो। आगे बात करते हैं दोस्तों कि भारत में किस फसल में GM यानी कि GM किस्मों का व्यापारिक रूप में उगाया जाता है, तो GM है वो कॉटन की फसल में उगाया जाता है। आगे बात करते हैं कि उत्पादन की दृष्टि से भारत के सबसे महत्वपूर्ण तिलहन फसलों में कौन सी है, तो तिलहन फसलों में महत्वपूर्ण है तो वो सोयाबीन है। आगे है कि पादप को कितने पोषक तत्वों तो की आवश्यकता होती है, तो पादप के जो पोषक तत्व तो है वो 17 की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे 17 है। आगे बात करते हैं कि अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा कितनी होती है, तो जो अमोनियम सल्फेट है उसके अंदर 24% होती है। आगे तोरिया और सरसों में बीज दर लगभग कितनी आवश्यकता होती है, तो तोरिया और सरसों की है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यक होती है। एट्राजिन एक अनुशासित शाकनाशी है, तो वो गन्ने के अंदर बोया छिड़काव किया जाता है, जो खरपतवार नाशी है जो बुआई से पहले किया जाता है। आगे बात है कि pH 8 से कम, EC 4 से ज़्यादा यानी DS प्रति मीटर और ESG 15 से कम वाली मृदा लवणीय होती है, तो वो कौन सी मृदा होती है, तो वो लवणीय मृदा होती है। आगे बात करते हैं कि भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो केला है वो सर्वाधिक होता है, भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में केला का उत्पादन होता है। आगे नेक्स्ट है कि भारत में सब्जियां उत्पादन 2009 और 10 के अकॉर्डिंग कितनी थी, तो 85 मिलियन टन थी। आगे बात है नेक्स्ट में कि अंगूर एक उष्ण कटिबंधीय फल है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय फ्रूट्स है। आगे बात है कि सेब की व्यापारिक प्रवर्धन कौन सा है, तो कलम लगाना व्यापारिक प्रबंधन है। नेक्स्ट है पपीते में कौन सा भाग भोज्य पदार्थ में यूज लिया जाता है, तो मध्य फल भित्ति लिया जाता है, क्योंकि ऊपर ऊपर वाला छिलका और बीज के अंदर दाने होते हैं, तो मध्य कार्प बीजी जो बीज के अंदर जो भित्ति होती है उसको खाने के लिए यूज में लिया जाता है। आगे कि आम की कौन सी संकर वेराइटी है, तो आम्रपाली है, जो किचन के लिए यानी किचन गार्डन में भी प्रयोग में ली जाती है। आगे है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भिंडी का यानी कि जो कुल कौन सा है, तो भिंडी का मालवेसी है, क्योंकि भिंडी साथ में मालवेसी कपास के साथ में बोई जाती है, तो ये साथ में कपास का भी कुल मालवेसी होगा। आगे विश्व में फूलगोभी का सर्वाधिक उत्पादन राष्ट्र कौन सा है, तो फूलगोभी का है वो भारत होगा, इंडिया। आगे है बंद गोभी, बंद गोभी की बीज दर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, बीज दर लगभग कितनी चाहिए, तो 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होती है। आगे आते हैं एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन, संपूर्ण देश में राजस्थान की किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो जो उत्पाद का है राजस्थान राज्य, तो ऊन का है। आगे संपूर्ण देश में किसकी जनसंख्या राजस्थान की सबसे बड़ा हिस्सा है, तो जो सबसे बड़ा हिस्सा है तो वो भेड़ का है। आगे बात करते हैं दोस्तों की नेक्स्ट है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। आगे है ICMR के अनुसार
दूध प्रति व्यक्ति अनुशासित मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 250 ग्राम प्रति व्यक्ति सन 2011 के अकॉर्डिंग बताया गया है। आगे है गाय की द्वि उद्देशीय नस्ल कौन सी है? तो द्वि उद्देशीय नस्ल है वो थारपारकर होगी। आगे मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग का कारण है, तो एंथ्रेक्स रोग का कारण है तो वो जीवाणु होगा। आगे नेक्स्ट में बात करते हैं कि मांस को परिरक्षित सामान्य किस तापमान पे किया जाता है? तो वो 0 से -3 रखा जाता है, यानी कि 0 से 3 डिग्री पे रखा जाता है मांस को। आगे है कि मक्खन में चर्बी की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मक्खन के अंदर चर्बी की मात्रा है तो वो 80% पाई जाती है। आगे है कि पूर्णतः गाय के दूध को बने खोए में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? जो खोया बना होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा है वो 20% पाई जाती है। तो दोस्तों आज वाली अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों आजकल वीडियो नहीं आने की वजह है, कुछ अदर प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ रही है, लेकिन वीडियो जल्दी ही आपको फुल मिलने लग जाएगी। और बता दूं दोस्तों, जो जेट की तैयारी कर रहा है वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और सुपरवाइज़र की कर रहा है वो भी, उनके लिए कैसे PDF डाउनलोड होंगे वो पूरी डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और उसके बाद में दोस्तों हमारा पेपर है वो 2012 का सोल्व होगा, तो उसके अंदर 2012 वाले में हम पेपर सोल्व करेंगे, उसमें क्या क्या क्वेश्चन है वो सोल्व नेक्स्ट में करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ।